हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जो है प्रोटीन। प्रोटीन भी कार्बोज की तरह एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन यह कार्बोज से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन को बनाने वाली नाइट्रोजन युक्त मूल इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। कई अमीनो एसिड आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाते हैं। प्रोटीन इन्हीं अमीनो एसिड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। सभी प्रकार के प्रोटीन लगभग 22 अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। कुछ अमीनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यह शरीर के लिए आवश्यक हैं। 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो शरीर में नहीं बनते, इनकी पूर्ति दैनिक आहार द्वारा की जा सकती है। दोनों प्रकार के अमीनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक हैं। अमीनो एसिड की संख्या तथा अनुपात प्रोटीन की क्वालिटी का पता लगाने में सहायक है। आइए देखते हैं प्रोटीन प्राप्त कहाँ से हो। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन पशुजन्य भी है और वनस्पति जन्य भी। इसका मतलब है यह प्रोटीन हमें पशुओं व वनस्पतियों दोनों से प्राप्त होता है, और पशुओं से प्राप्त प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें सभी अमीनो एसिड सही मात्रा व सही अनुपात में पाए जाते हैं, और वनस्पति से प्राप्त अमीनो एसिड सही मात्रा व सही अनुपात में नहीं होते। लेकिन हम अपनी सूझबूझ से इसको बेहतर बना सकते हैं, इसकी क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। जैसे अनाज में लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है। यह लाइसिन अमीनो एसिड अनाज में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि मिथायोनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और दालों में इसका उल्टा है। दालों में लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है और मिथायोनिन कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम दाल व अनाज को आपस में मिलाकर खाएं, तो हम प्रोटीन की मात्रा में सुधार कर सकते हैं, प्रोटीन की क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र के पारंपरिक भोजन को देखेंगे, तो वह वनस्पति व पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, भात, खीर इत्यादि। दलिया में दूध और गेहूं का प्रयोग किया जाता है। खिचड़ी में चावल दालों को मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाने से प्रोटीन की क्वालिटी में सुधार आता है। गिरदार फल, मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट तथा दालों में मसूर की दाल, मूंग की दाल, राजमा, सोया, दालों में विशेष तरह सोयाबीन अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ज़्यादातर लोग इन प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो अब हम डेयरी प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे, यानी कि पशुजन्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे। उनमें भी कुछ जो पदार्थ हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन दूध का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और वह बहुत आवश्यक भी है। तो आइए हम डेयरी प्रोडक्ट पर चर्चा करते हैं जो हमें दूध से प्राप्त हो जाते हैं। तो पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों को देखें तो आप पाएंगे कि खोया, पनीर, दूध, दही में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन की मात्रा को शरीर में बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। 100 ग्राम दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिससे बने पदार्थों को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में मिला दिया जाए तो प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे दूध, चावल या चावल, दही, दाल आदि का सेवन। इसलिए दूध से बने पदार्थ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आइए अब प्रोटीन के कार्यों को समझते हैं। देखते हैं शरीर की वृद्धि में प्रोटीन की भूमिका क्या है। शरीर निर्माण तथा वृद्धि में प्रोटीन शरीर के नए निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों के निर्माण में सहायक हैं।
शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव के लिए जीवन भर प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा कार्य है प्रोटीन नियामक व सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में। प्रोटीन कुछ रासायनिक पदार्थ बनाते हैं जो शरीर की मुख्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब है तीसरा कार्य प्रोटीन वाहक के रूप में। कुछ प्रोटीन पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन वाहक का उदाहरण हीमोग्लोबिन है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग उत्तकों में ले जाता है तथा शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। चौथा कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये कार्य जब किया जाता है जब कार्बोज और वसा अपना कार्य पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी कि वह शरीर को ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। अब चलते हैं प्रोटीन का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। भोजन में प्रोटीन एमिनो एसिड की छोटी व बड़ी श्रृंखलाओं के रूप में होता है। पाचन में ये श्रृंखलाएं एमिनो एसिड में टूट जाती हैं, क्योंकि लार रस में प्रोटीन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता। अतः प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय तथा छोटी आंत से ही होता है। अमाशय रस में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड की कई श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। फिर प्रोटीन अमाशय से छोटी आंत में जाता है। यहाँ उसका पाचन 2 चरणों में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम जो कि प्रोटीज कहलाते हैं, प्रोटीन पर और क्रिया करके उसे और छोटी इकाई में तोड़ देते हैं। फिर प्रोटीन को एंजाइम प्रोटीज उसे और छोटी इकाई में तोड़ देता है और इसे एमिनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन का पचा हुआ रूप एमिनो एसिड है। पाचन के बाद यह लिवर में पाया जाता है। यहाँ एमिनो एसिड का 3 प्रकार से उपयोग किया जाता है। कुछ अमीनो एसिड रक्त प्रोटीन बनाते हैं, कुछ लिवर में ही रह जाते हैं, शेष बचे हुए रक्त में प्रवेश कर पाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उत्तक प्रोटीन बनाने हेतु कार्य करते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। Thank you very much.